दोस्तों इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आइस नेटवर्क के बारे में। दोस्तों आइस नेटवर्क रिसेंटली दोस्तों यहां पर OKX एक्सचेंज पर लिस्टेड हो चुका है। दोस्तों ये मैंने जो अपडेट है वो टेलीग्राम पर रिसेंटली कल अपडेट कर दिया था और हमने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता चल गया होगा और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन किया होगा। तो आपको दोस्तों वीडियो आने से पहले दोस्तों आपको जो है टेलीग्राम पर पता चल गया होगा कि आइस जो है लिस्टेड हो चुका है। और यदि आप इसे अपने मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में इसको लेना चाहती हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो अपना एड्रेस है वो फिल किया होगा। एंड दोस्तों मैक्सिमम आपके पास 1000 कॉइन होने चाहिए तभी जो है आपको अपने वॉलेट में जो कॉइन है वो रिसीव होंगे। एंड दोस्तों यदि आप अपने मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट में यदि जो है अपना पेमेंट चाहते हैं, यदि आपके पास OKX वॉलेट नहीं है तो दोस्तों उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपने जो यहाँ पर एड्रेस फिल करा होगा वो आपको अपने मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में जो है रिसीव हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप OKX एक्सचेंज पर दोस्तों जो अपना जो है बैलेंस जो है आइस को जो चाहती हैं तो दोस्तों यहां पर जो अपना एड्रेस है उसको चेंज करना होगा। वो कैसे करेंगी आप? सो यहां पर आने के बाद यहां पर सबसे पहले अभी हमने ट्विटर अकाउंट पर आ चुकी हैं। यहां पर देखिए 18 घंटे पहले इनका जो अपडेट दिया गया है कि लिस्टिंग यहाँ पर जो हो गया है कम्प्लीटली। यहाँ पर देखिए 19 तारीख को ये जो है इसका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, स्पॉट ट्रेडिंग। दोस्तों ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको अपने वॉलेट में जो है आपको कॉइन मिल जाएंगे यदि आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड रहेगा। दोस्तों इस तरह का जो वेरीफाइड टिक होना चाहिए आपके जो है आइस पर। और यहाँ पर जो आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा 1000 कॉइन से ज़्यादा होंगी तभी आपको जो है एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पर हम OKX के एक्सचेंज पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने न्यू पर क्लिक किया। यहाँ पर देखिए आइस जो हमारा लिस्टेड हो चुका है। यहाँ पर 77 घंटे का जो टाइमर है वो चल रहा है। यहाँ पर आपको कैसे इसका एड्रेस लेना है, वो कैसे फिल करना है, तो यहाँ पर एसेट्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करना है। डिपॉजिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आइस सर्च कर लेना है। आइस जैसे सर्च करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आइस लिस्टेड हो चुका है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आइस BSC पर क्लिक करेंगे और दोस्तों इस एड्रेस को आप कॉपी कर लेंगे। इस एड्रेस को आप कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आप जो है BSC स्कैन यानी आइस का जो OKX का एक्स जो एड्रेस है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एड्रेस को फिल कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो फिल हो जाएगा और आपको बिना किसी गैस फीस दिए आप OKX एक्सचेंज पर जो आपके टोकन आ जाएंगे उसको आप सेल आउट भी कर पाएंगे। दोस्तों जैसे ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दोस्तों आपको OKX एक्सचेंज की या तो आपको यहाँ पर ओवरव्यू में या फंडिंग या ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग में जो आपका फंड है वो देखने के लिए मिल जाएगा। यदि फंडिंग में आता है तो दोस्तों तो यहाँ पर आप ट्रांसफ़र करके यहाँ पर आप जो है ट्रेडिंग में कर सकती हैं। ट्रेडिंग में करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो है ट्रेड कर सकती हैं। दोस्तों इस तरीके से यदि आप बिना गैस फीस का जो है अपना कॉइन रिसीव करना चाहती हैं तो दोस्तों अभी आप अपने आइस वॉलेट का जो एड्रेस है वो चेंज कर दीजिए और यहाँ पर जो है OKX वॉलेट का जो है यहाँ पर एड्रेस फिल कर दीजिए। तो दोस्तों आपको OKX एक्सचेंज में जो है आपको एयर ड्रॉप रिसीव हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट में जो है एयर ड्रॉप चाहिए तो दोस्तों जो आपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क का जो BNB स्मार्ट चेन का जो है एड्रेस दिया होगा तो दोस्तों वो डला रहने दें। लेकिन उसके लिए दोस्तों जब आप सेल आउट करेंगे दोस्तों रिसीव तो आपको हो जाएगा, लेकिन जब सेल आउट करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए आपको BNB की गैस फीस चाहिए होगी। तो दोस्तों ये बिना गैस फीस के लिए दोस्तों ये आपको OKX एक्सचेंज का ही आपको जो है एड्रेस डालना है, वॉलेट का नहीं डालना है। वॉलेट पर यदि डालेंगे तो फिर से आपको गैस फीस चाहिए होगी। दोस्तों आप एक्सचेंज का ही जो एड्रेस है वहाँ पर आइस पर फिल कीजिए। एंड दोस्तों यदि आप जो है अपने मेटामास्क में जो है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा सो मोर पर, सो यहाँ पर मेटामास्क में दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम अपनी आइस को जो ऐड करें सो यहाँ पर ये BSC का जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है इसको आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पर इसको कॉपी करने के बाद दोस्तों आप अपने मेटामास्क में भी जो है इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है यहाँ पर मैं मेटामास्क को ओपन कर लेता हूँ। मेटामास्क को ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ थोड़ा सा। 1 सेकेंड दोस्तों यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। सो यहाँ पर देखिए हमारा मेटामास्क वॉलेट ओपन हो चुका है। यहाँ पर ये इंपोर्ट जो टोकन लिखा है यहाँ पर इंपोर्ट टोकन पर क्लिक करना है। कस्टम टोकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको एड्रेस मिला है वो डाल देना है और यहाँ पर ऑटोमेटिक आइस और डिसेबल में 18 ले लेगा। इंपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका टोकन है वो यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगा। एंड दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूट कब होना है तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ मैंसन किया गया है कि 17 तारीख
आपको दोस्तों यहाँ पर ये सभी कोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और आपके वॉलेट में आपको शो होने लगेंगे और 19 तारीख से आप स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो कर पाएंगे, वो कॉइन को सेल आउट कर पाएंगे। इसका प्राइस पॉइंट क्या रहता है वो तो जब लॉन्च होगा तभी पता चलेगा दोस्तों। आप बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको जो है अकाउंट में जो आपके आइस हैं वो आने वाले हैं। बस 1000 से ज़्यादा आइस होने चाहिए आपके पास और आपका जो आइस का जो वेरीफाइड पेज है वो होना चाहिए दोस्तों। यदि आपका जो दोनों KYC कंप्लीट हैं और यहाँ पर आपने इसको सब कुछ जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था सब कुछ आपने यदि करके रखा होगा तो आपको आइस बिल्कुल इजी तरीके से आपको मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट OKX एक्सचेंज में रिसीव हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था आइस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो जो कि मैंने आपको बता दिया। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, देखो वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह का वीडियो देखने के लिए।